हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गोभी मंचूरियन की रेसिपी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर गोभी मंचूरियन बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम फूल गोभी और उसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसके बाद एक सेपरेट बोल में मैं ले रही हूँ 1/4 कप मैदा और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, देन जिंजर गार्लिक पेस्ट और अब इसमें पानी डालकर थोड़ा गाढ़ा घोल बनाना है। तो यहाँ पर लगभग हमें लग जाएगा 1/4 कप पानी। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बीटरूट जूस कलर के लिए। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये फ्राई करने के बाद गोभी को बहुत अच्छा कलर देगा। इस बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, अदरवाइज ये गोभी को अच्छे से कोट नहीं कर पाएगा। एंड देन हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ गोभी और अब सारे गोभी के पीसेस को अच्छे से कोट कर देना है। अब इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट अराउंड 1/4 टीस्पून और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देन इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये इसे कलर भी देगा एंड इसे टेस्ट भी देगा। और अब ये सारे पीसेस रेडी हैं फ्राई करने के लिए, तो आइए इन्हें फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर ऑयल गरम कर लिया है एंड फ्लेम को रखना है लो टू मीडियम और गोभी के हर पीस को सेपरेटली डालते जाना है इसमें। अब इसे फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। और जैसे कि इसमें हमने बीटरूट का जूस डाला था और रेड चिली पाउडर डाला था तो इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। और देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है इन गोभी का। यहाँ पर मैंने सारे गोभी फ्राई कर लिए हैं। अब हम चलते हैं इसकी ग्रेवी बनाने की तरफ। तो उसके लिए एक बोल में मैं ऐड करने वाली हूँ सारे सॉसेस। लाइक सबसे पहले मैंने ऐड किया है सोया सॉस, देन ग्रीन चिली सॉस, देन रेड चिली सॉस एंड लास्ट में टमेटो सॉस। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देन इसमें ऐड कर देंगे अराउंड 1/4 कप वाटर। इसी के साथ हमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाना है, तो उसके लिए 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी में मिक्स करके रख लें। और अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रेवी बनाना। यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है, इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसके बाद बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च। इन्हें थोड़ा सा सौते करेंगे और इन्हें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा रॉ ही रहने देना है। अब इसमें ऐड कर देंगे सारे सॉसेस जो हमने मिक्स करके रखे थे। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ पानी अराउंड 1/4 कप। इसके बाद 1 टीस्पून ऐड करना है विनेगर, देन कटा हरा धनिया और कटा हुआ स्प्रिंग अनियन। फिर हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट एंड 1/4 टीस्पून शुगर। सबको मिक्स कर देंगे और इसमें बॉईल आने देंगे। एंड जैसे ही इसमें बॉईल आ जाएगा हम ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर स्लरी। कॉर्नफ्लोर डालते ही ग्रेवी एकदम थिक होने लगेगी। यहाँ पर इसे कंटिन्यू मिक्स करते रहें, साथ ही फ्लेम को लो टू मीडियम रखें। यदि आपको ग्रेवी ज़्यादा थिक लग रही हो तो आप इस स्टेज पर भी पानी ऐड कर सकते हैं। फिर इसे पका लें लगभग 1 मिनट के लिए। अब इसमें ऐड कर देंगे फ्राइड गोभी एंड अच्छे से मिक्स कर दें। यहाँ पर गोभी डालने के बाद इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, अदरवाइज गोभी क्रिस्पी नहीं रहेगी। तो ये आप देख सकते हैं गोभी मंचूरियन एकदम रेडी है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें और आप इसे गार्निश कर सकते हैं स्प्रिंग अनियन से।
तो ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, और यदि आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।